नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हार्टियस कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। एक अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया, दूसरे अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मैंने जीजा जी से तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स कर दिया है। कल शाम को ठीक 5 बजे पहुंच जाना, ओके? अरे 5:15 बज गए, रीना बोलती थी, वो लड़का क्या नाम है उसका? प्रकाश। हाँ हाँ प्रकाश, 5 बजे आएगा, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बाबा, आ जाएगा। श्रीमान। मेरा नाम श्रीमान नहीं, बुद्धिमान है। आप कौन? मैं राशनिंग इंस्पेक्टर हनुमान, राशन कार्ड चेक करने आया हूँ। साहब घर पर हैं? हैं, जाइए। थैंक यू। चले आते हैं राशन कार्ड चेक करने। प्रकाश आ गया जी। अच्छो साई, अच्छो अच्छो अच्छो। अरे मुझे साई अच्छो। अरे आपके बारे में साई बहुत सुना है, आओ बैठो। प्लीज सिट डाउन। दिस इज माय वाइफ शीला देवी। नमस्ते। प्लीज सिट डाउन। बैठिए। क्या है? खाओ उल्हासनगर का पकोड़ा, कराची का हलवा, ये तो आप साई खाना से मंगवाया। अरे वीरू मेरा पानी वाणी लाओ। नहीं श्रीमान, धन्यवाद, आज मेरा उपवास है। डिलीशियस बॉय। ये ले लो। नहीं नहीं नहीं, आजकल ये सब नहीं चलता। अरे ले लो, ये तो पुराना रिवाज है। पुराने रिवाज सब खत्म हो चुके हैं, आजकल हर डिपार्टमेंट में तब्दीली आ चुकी है, 24 घंटे चौकस रहना पड़ता है। भाई वेरी मॉडर्न बॉय। आपके पास राशन कार्ड है? व्हाट? हाँ जी है। आपके घर में कितने मेंबर हैं? 3 है, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक वो। वो कौन? अरे मेरे भोले साईं, अरे वो ही जिसका नाम हमारे राशन कार्ड में से कट कर बहुत जल्दी तुम्हारे राशन कार्ड पर चढ़ने वाला है। श्रीमान लेकिन आप मुझ पर क्यों चढ़ रहे हैं? ओह आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके वो से मिलना चाहता हूँ। सबर कीजिए सबर कीजिए, अभी तैयार होकर आ रही हैं। तैयार होकर? जी हाँ। आप टालना खूब जानते हैं, ऐसा लगता है आपने राशन कार्ड पर ज्यादा आदमियों के नाम लिखवाए हुए हैं। भाई वो तो लिखवाना पड़ता है, नहीं तो इतने बड़े घर का राशन कैसे पूरा हो। फिर तो मुझे आपकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। प्रकाश मुझे नहीं पता था कि आप देशद्रोही हैं। अरे तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, तुम तो एकदम घटिया दर्जे का आदमी निकला। क्या कहा, घटिया आदमी? घटिया तो आप है। सुनिए जीजा जी, ये वो रहो जी, देख ली तुम्हारी पिछंद, दो कौड़ी का आदमी मेरे को राशन पर भाग देता है। संभाल संभाल कर बात करो श्रीमान। कल अपना राशन कार्ड लेकर राशनिंग ऑफिस के वार्ड नंबर 14 में आ जाना, वहाँ आपको पता चलेगा दो कौड़ी का आदमी मैं हूँ या आप। अरे जाओ जाओ चलो। आप तो इतना बोलते कि किसी के सुनते ही नहीं, ये राशन इंस्पेक्टर था क्या? हाँ सुबह भी आया था लेकिन आप लोग घर पे नहीं थे। गया, हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई अगर तुम एक्साइज इंस्पेक्टर है तो दुकान खोल कर सुन लो, मेरे पास परमिट है, मैं दुकान से खरीद कर लाता हूँ, मैं स्कैच पीता हूँ। जीजाजी ये प्रकाश है, रियल वन। प्रकाश सुहानी सेठ, मेरे घर आकर आपने मेरा मान बढ़ाया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा। नहीं लाला जी, दुनिया में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ये तो सब संजो की बातें। और साईं सबसे बड़ी बात तो ये है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे, गले मिलो जी। अरे झूले लाल बेराई पार। गीता तेरे पिताजी कहाँ हैं? बहादुर मामा के साथ गए हैं माँ। कहाँ? भैया की शादी की खुशी में बहादुर मामा ने फैक्ट्री वालों को दावत दी है, वो दोनों वहाँ गए हैं। आज बहादुर के भांजे की शादी हुई है। अभी तेरी शादी नहीं हुई, तेरे भांजे की शादी कैसे हो गई? अरे शादी हुई मेरे बेटे की।
भांजे को चढ़ गई पहली दफा पिए ना। अरे मेरे साले, ये साली मुझे क्या चढ़ेगी। 1946 30 साल हो गए इसे बोतल में बंद करते हुए। लेकिन मुझे तो नशा है कामयाबी का, जिंदगी का नशा, और मजा तो अब आएगा। बहू कमाएगी और बेटा रोटी पका कर। जीजा क्या है लाभ शराब पक रहे हो, चलो चले, आखिरी गाड़ी छूट गई तो माने जाएंगे। छूट गई तो छूट गई, बाय एयर चलेंगे सेंटा क्रूज एयरपोर्ट। चलो चलो एयरपोर्ट पर मिलेंगे। अरे मरवा दिया जीजा तूने, अब सारी रात हमें यहाँ स्टेशन पर टक्करें मारनी पड़ेगी और सुबह लाजो बहन मेरी पगड़ी उड़ा देगी। बहादुर अपने घर में मरेगी, अपने घर में चोर। चल वापस। सुनिए ये क्या कर रहा है, तुमने पी रखी है क्या? जी 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 जी, इस उम्र में बस यही कसर बाकी रह गई थी। बहादुर ये सब तुम्हारी शरारत है। हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती तुमने मुझे पिलाई। शाले बहादुर, इस दुनिया में शाला होना भी गुनाह है। शाला कहीं का। अरे बन गया, बन गया। शर्म करो, घर में बहू आई। अरे तो क्या हुआ, सास भी तो कभी बहू थी। पिताजी। हाँ बेटे। 10 तारीख तक हमारा 2 लाख का कोटा पूरा हो जाएगा ना? हो जाएगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड पे सिलेंडर अगर लीक न कर जाते तो 2 दिन पहले हो जाता, तुम फिक्र न करो। गीता तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम्हारे भाई को भी तो अपना फर्ज निभाना चाहिए। कैसा फर्ज? अपनी छोटी बहन के हाथ पीले करके उसे डोली में बिठा के हमारे घर तक पहुँचाने का। मगर हुजूर शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपके अब्बा हुजूर तो हमें रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन मोहतरमा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके अब्बा हुजूर हमें जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, बस आप एक बार हमारी पब्लिसिटी जमा के हमें उनके सामने पेश कर दीजिए। हम आप कैसी बातें कर रहे हैं, अपने शरीके जिंदगी का अपने अब्बा हुजूर से मैं भला कैसे जिक्र कर सकती हूँ? तो मोहतरमा आप अपने भाई जान की शरीके जिंदगी का फायदा उठाइए। भाभी गुड आइडिया। लोग बेटी को बहुत समझते हैं, लेकिन एक तू है जिसने हमारी आखिरी चिंता भी दूर कर दी। बेटी कौन है भगवान, उसे घर बुला। हाँ हाँ देखो देखो, परसों शाम को आ रहा है। अरे शर्मा नहीं है। देख पा, आज मैं बहू वाली बन गई, कल पोते पोतियां वाली भी बन जाऊंगी, मगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? वही कि तुम अपनी शादी पर मुझे बनारसी साड़ी लाके दोगे। मुझे तो लगता तुम दोनों के नसीब ठंडे हैं, नहीं से नेपाली जोरू मिलने वाली है ना तुम्हें बनारसी साड़ी। देखो जीजा जी, मुझे तामत दीजिए, अगर चाहूँ तो आज शादी कर सकता हूँ। तो पर क्यों नहीं करते? सोचो कि मेरे जोड़ की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
कौन सी कन्याकुमारी बैठी है? और रही साड़ी की बात, तो अगली दिवाली तक अगर मैं अपनी बहन को बनारसी साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाकर आपके साथ ना खड़ा कर दूं, तो मेरा नाम भी बजरंग बहादुर नहीं है। क्या है बजरंग? क्या है बजरंग बली कंपनी? लो, और मैं वो गर्ल। हेलो, एक्स्ट्रा मिल गया। क्या घर में कोई नौकर नहीं है क्या? रीना, महीने में एक बार तो इस किटी पार्टी का दिन आता है जिसका हम लोग सब बेचैनी से इंतजार करते हैं। ये खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन रीना बुरा नहीं मानना, यहाँ तो कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। अब अगर तुम्हारी बारी आए तो अपनी दीदी के यहाँ पार्टी करना, नहीं तो फिर हॉलीडे। ओके 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 मैम साहब, चलिए पता फेंक चलो रीना, चलो 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 चलो। चाय वाय पियोगी? अरे पापा चाय आ रही है, तुम तो सब लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हो। गीता। हाँ माँ। इसे ले जा, तब तक मैं चाय तैयार करती हूँ। अब मुझे ही देखो, डोली आई ससुराल में, खाना खाया होटल के डाइनिंग हॉल में, और सुहागरात मनाई ताज महल में। बिल्कुल ठीक है। भला शादी के बाद सास ससुर के साथ रहने में क्या सुख है, और फिर बूढ़ों के साथ रह के तो जवान भी बूढ़े हो जाते हैं। रीना, प्रकाश की तो बहुत टॉप पोजीशन है, मेरी मानो तो किसी कोठी या बंगले में जाकर रहो। बुरा न माने तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रीना, ये क्या चीज है? ये गीता है, मेरी बहन। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, अपनी सहेली को ऐसी पट्टी पढ़ाना आपको शोभा नहीं देता। गीता। रीना, हमें यहाँ पर बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था। देखिए, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की। Shut up and get lost. You shut up and get lost. This is our house, not a club. गीता। रीना, बहुत बहुत शुक्रिया, जो खातिर तुमने हमारी की है इसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो कमर, कम ऑन रूपा, सुनो तो रूपा। आई एम सॉरी भाभी। आई एम सॉरी डॉली, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं गीता को समझा दूंगा। तुम गीता को तो समझा दोगे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को कौन समझाएगा? अब वो लोग इस घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। जी सारी सोशल लाइफ का सत्यानाश हो गया। प्रकाश, क्या हमें सारी उम्र अब इसी घर में रहना पड़ेगा? दिल छोटा ना करो मेरी जान, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर प्रकाश, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तुम बाप बनने वाले हो। रियली? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बेटे, हम कितने खुशनसीब हैं, तुम्हें कितनी बड़ी नौकरी मिली, इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी हुई, अब घर में एक नया मेहमान आने वाला है। बस बेटे, कर्ज का बोझ सर पर चढ़ा हुआ है, उसे किसी तरह उतार कर ये मकान छुड़ा लो। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मकान का कर्ज हम क्यों चुकाएं प्रकाश? जिन्होंने उठाया है वो खुद ही चुकाएं। आज कर्जा चुकाने को कह रहे हैं, कल गीता की शादी का बोझ भी हम पर ही डाल देंगे। रीना, आखिर वो मेरे माँ बाप हैं। देखो प्रकाश, एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इन सब झंझटों में मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी, समझे? थैंक यू, कम अगेन, यू आर वेलकम। सैंडल, ओवर देयर गर्ल। गीता, माली तुम यहाँ? हाँ, मैं यही काम करती हूँ। मुबारक हो रीना, भाई तुमने तो हमें ये बात बताई नहीं कि तुम्हारी चहती ननन इतनी ऊंची और बढ़िया नौकरी करती है। मैं तो अजीब भर के शॉपिंग करूंगी,
कम से कम इसी बहाने 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको 1% भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस दुकान में रेट्स कम ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप दिवाली की ग्रैंड सेल पर तशरीफ ले आइए। वाह, भाभी तो शर्म से पानी पानी हो रही है, और ये बेशरम तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर हो। डिग्री तो क्या डिप्टी कमिश्नर को 4 हाथ होते हैं? जैसे वो मेहनत और मजदूरी से अपनी रोटी कमाता है, वैसे हम लोग भी मेहनत और मजदूरी से हमारी रोटी कमाते हैं। डिग्रा एम ने बोले। हाँ आंटी, मेहनत मजदूरी की बात तुम इन तितलियों से कर रही हो। ये दो लफ्ज तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मेहनत मजदूरी तो इनके घर वाले करते हैं बेचारे। ये तो सिर्फ उनके खून पसीने की कमाई को बर्बाद करना जानती हैं। शट अप गीता, अपनी जबान को लगाम दो। लगाम की मुझे नहीं भाभी, मॉडर्न सोसाइटी की इन बेलगाम घोड़ियों की जरूरत है, जिनका जिधर जी चाहता है चल देती हैं, जो मुंह में आता है बक देती। गीता, इन्हें तो इतना भी नहीं मालूम है कि इनके बच्चे कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ ताश के पत्ते और रम्मी के नंबर गिनना जानती हैं, वो भी झूठे। खबरदार, जो हमारी दुकान में गड़बड़ की लिस्ट हो, आउट यू गो। यू एंड यू टू आउट। भाभी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इनकी सोसाइटी छोड़ दो। 7:15 बजने को आया, अभी तक आया ही नहीं। आता ही होगा, देखो देखो बात देखो देखो। अरे अभी से खाना शुरू कर दिया तुमने? चक्के देख रहा था। अरे चक्के तो खत्म मत कर देना। बलखुरदार का नाम क्या है? रंजीत। जोरदार नाम है। प्रकाश आया। हमारे होने वाले जीजाजी तो नहीं है ना? नहीं नहीं। थैंक गॉड। पिताजी मैं तो समझा कि मैं लेट हो गया। माँ रीना कहाँ है? ऊपर कमरे में। अच्छा अच्छा, आओ आओ। गीता देखो ना, मेरी सैंडल टूट गई है। कल सुबह जब तुम काम पे जाओ तो इसे बना लाना, और ऐसी ही एक जोड़ी सैंडल मेरे लिए और ले आना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी चहेती बहन लोगों को जूते पहनाने और उतारने का काम करती है? मगर बहू, नौकरी करना कोई बात तो नहीं? जी नहीं, हर ऐरे गहरे के पाँव में बैठकर अपने घर, अपने माँ बाप, अपने भाई की इज्जत को जूते पहने कुचलना बहुत बड़ा पुण्य है। आज अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर अपनी सहेलियों के सामने मैं पानी पानी हो गई। सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ऐसी घर की बहू बनने से तो अच्छा था कि मैं जहर खा के मर जाती। बस करो बहू, बस करो। विश्व पवित्र घर के माथे पर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ, एक देवी का अपमान मत करो। गीता ने जो बलिदान किया है उसका अंदाज तुम नहीं लगा सकती। बलिदान? हाँ बलिदान। ये गीता ही थी जिसने अपनी पढ़ाई छोड़कर 500 रुपए महीने की नौकरी की ताकि प्रकाश की पढ़ाई में रुकावट ना आए। मामा, ये इसी की मेहनत का फल है। ये उन्हीं जूतों का प्रताप है कि प्रकाश इतना बड़ा ऑफिसर है, और आज तुम इतने बड़े ऑफिसर की इतनी बड़ी बीवी बनी बैठी हो। बदतमीज, पापा, तुम कौन होते हो हमारे घर की बात में दखल देने वाले? चले जाओ यहाँ से। ये घर है या पागल खाना, किसी को बात करने की तमीज नहीं। बाहर के घटिया लोग आकर घर की औरतों को आंखें दिखाते हैं। प्रकाश, प्रकाश अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। रीना, छोड़ दो मुझे। भाभी, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रीना, रीना! मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
उसे समझा समझा कर थक गया। उसने यहां ना आने की जिद पकड़ ली। मुझे वहां ले चलो बेटा, मैं उसके पांव पकड़ कर मना लूंगी। कोई फायदा नहीं मां, मैं रीना को अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां नहीं आएगी। तो बेटे इसका हल क्या निकलेगा? पिताजी आप तो जानते हैं कि कंपनी की तरफ से मुझे बंगलो मिल सकता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां शिफ्ट कर जाऊं। प्रकाश तुम हमसे अलग हो जाना चाहते हो बेटे, ये तुमने कैसे सोचा? ऐसा कभी नहीं करना भैया, इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम सब ने जो सपने देखे थे वो टूट जाएंगे, ये घर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या मैं अपना घर बर्बाद कर लूं? प्रकाश प्रकाश ठीक करा गीता, बेटा तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम और बहू सुखी रहो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। बागवाने आग दीजे वाशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।